हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जामवन जी, बजरंगबली जी, वो देखिए, यही यहाँ की स्वामिनी जान पड़ती है। संभव है यही सत्य हो, उनकी अनुमति लेकर ही हम यहाँ की किसी वस्तु को हाथ लगाएंगे। चलो। सावधान, आगे न बढ़ना, नहीं तो तपोबल से सबको भस्म कर दूंगी। हनुमान, जामवन, नील, नल, अंगद, किष्किंधा का वीर वानर दल। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर अन्वेषण करना है। न जाने विधाता को क्या स्वीकार है। माता सीता को श्री राम से मिलाने की प्रतिज्ञा हमारे महाराज सुग्रीव ने ली है। उनकी खोज का संकल्प हमने लिया है। यदि इसे पूरा नहीं कर सकेंगे तो इन्हीं वनों में हम सब अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। वीर मारुति, इस अद्भुत गुफा में लाकर तुमने भूख से व्याकुल हमारे प्राणों में नव जीवन का संचार कर दिया है। निर्मल जल भी है और स्वादिष्ट फल भी। अब तो भूख के मारे रहा नहीं जाता। अम्बे अन्नपूर्णा माँ की जय। ठहरो ठहरो, भूख और प्यास की तुम्हारी व्याकुलता को मैं भली भांति समझ रहा हूँ, परंतु हर एक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। यह अद्भुत चमत्कार पूर्ण स्थल कोई माया भी हो सकती है या कोई देवी संपत्ति भी। इसलिए बिना सोचे विचारे, बिना समझे जल और खाद्य पर टूट पड़ना उचित नहीं। जामवन जी ठीक कह रहे हैं, उतावलेपन का परिणाम प्रतिकूल भी हो सकता है, परंतु इस हरे भरे समृद्ध स्थल पर कोई ऐसा व्यक्ति नजर ही नहीं आता जिससे अनुमति लेकर भूख प्यास से हमारे व्याकुल साथी प्राण रक्षा कर सके। इसीलिए तो और अधिक आशंका हो रही है युवराज अंगद। प्रकृति की हर प्रकार की प्राणदायिनी संपदाओं से भरपूर ये स्थल निर्जन क्यों है? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। जामवन जी, बजरंगबली जी,
वो देखिए, यही यहाँ की स्वामिनी जान पड़ती है। संभव है यही सत्य हो, उनकी अनुमति लेकर ही हम यहाँ की किसी वस्तु को हाथ लगाएंगे। चलो। सावधान, आगे न बढ़ना, नहीं तो तपोबल से सबको भस्म कर दूंगी। हनुमान, जामवंत, नील, नल, अंगद, किष्किंधा का वीर वानर दल, क्षुधा त्रिषा से अकुलाए यहां पर चले आए। महामानवी, घट घट व्यापिनी, हे तपस्विनी, आपने सत्य जान लिया, तपोबल से हमें पहचान भी लिया। हे महादेवी, अपना परिचय देने की कृपा करें, आप कौन हैं? भूतल में ये भव्य शस्य श्यामल विराट वेवर किसका है? हे धीर वीर वानर श्रेष्ठ, पहले अपने थके हारे वानर दल को यहाँ के स्वादिष्ट फल और निर्मल जल से भूख प्यास मिटाकर तृप्त हो लेने दीजिए, फिर हम एक दूसरे का वृतांत जान लेंगे। देवी, आपने तो हमारे बिना बताए ही सब कुछ जान लिया। प्रथम भोजनम। हे श्रेष्ठ वानर यूथ, मैं मेरु सावर्णी की कन्या स्वयं प्रभा, ब्रह्मा जी के वरदान से उत्पन्न इस मनोरम उपवन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपके लिए उपयुक्त शुद्ध भोजन फल मूल प्रस्तुत हैं, इनसे उदर पूर्ति करके आप सब तृप्त हो लें। सब को ले जाओ युवराज अंगद। चलो, हम सब भोजन करते हैं। धन्यवाद देवी। आप दोनों को भूख प्यास नहीं सताती? क्यों नहीं, आहार तो जीव मात्र का आधार है। परंतु हम बड़े हैं, पहले बाल वृंद छक जाएं। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, ऋक्षराज जामवंत, मेरा नाम स्वयं प्रभा, माया विशारद महातेजस्वी मैं ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में सुरम्य वन का निर्माण किया था। दानवराज में हेमा नाम की एक अप्सरा पर आसक्त हो गया। देवेश्वर इंद्र ने अपने वज्र से दानवराज में को मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये भूतल में स्थित दिव्य विवर हेमा को दे दिया। हेमा ने इस स्थान की रक्षा का भार मुझे सौंप दिया। इस दुर्गम स्थान पर आने का साहस कोई नहीं कर सकता और आने पर कोई जीवित नहीं लौट सकता, किंतु तुम्हारे आगमन का उद्देश्य अत्यंत उत्तम श्रेष्ठतम है। श्री राम प्रभु की सेवा करने वाले को कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। फिर भी इतने दिनों से हम लोग दक्षिण दिशा में भटक रहे हैं, किंतु रावण के राज्य का कोई सूत्र नहीं मिल रहा। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर अन्वेषण करना है। न जाने विधाता को क्या स्वीकार है। माता सीता को श्री राम से मिलाने की प्रतिज्ञा हमारे महाराज सुग्रीव ने ली है, उनकी खोज का संकल्प हमने लिया है। यदि इसे पूरा नहीं कर सकेंगे तो इन्हीं वनों में हम सब अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। हे महामानवी, महादेवी, भूख प्यास से अधमरे हो रहे वानरों को अमृतुल्य निर्मल जल और उत्तम फलाहार कराकर नव जीवन ही नहीं दिया, नई चेतना, नई प्रेरणा का संचार कर दिया है। कार्य सिद्धि की उत्कंठा और भूख प्यास की व्याकुलता में इस गुफा में कूद तो पड़े, परंतु अब बाहर निकलना कठिन जान पड़ रहा है। महाराज सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए जो अवधि निश्चित की थी, धीरे धीरे
वो भी बीत चली है। हे धर्मचारिणी, कृपा करके इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग सुगम कर दो। हे श्रेष्ठ वानर दल, श्री राम के कार्य के प्रति तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारा उत्साह उद्वेग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं देवी सीता तक पहुंचाने में आप सबकी मदद करूंगी। माता, क्या आप सत्य कह रही हैं? हाँ वत्स, अब सब अपनी आंखें मूंद लो। नयन खोलो वानर श्रेष्ठ। गरज रहो गंभीर, ये सिंधु अपार था, पाछे फिरे तो मृत्यु है, आगे दुर्गम राह। मैं तुम्हें महासागर के तट तक ले आई हूँ। यहाँ से देवी सीता तक पहुँचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा, तब तुम्हें सीता का कुछ पता लगेगा। भगवान तुम्हारा ये अभियान सफल करे। अब मुझे बद्रिकाश्रम जाना है। कल्याणमस्तु। आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं, गिद्धराज हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। शीघ्र मुझे मेरे भाई जटायु का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। आपकी बातों से मुझे अशुभ की आशंका हो रही है। गिद्धराज संपाति, आपकी आशंका सत्य है। दशरथ नंदन श्री राम प्रभु की धर्म पत्नी सीता माता को जनस्थान में से दुरात्मा रावण अपहरण करके ले गया। माता का आर्तनाद सुनकर जटायु ने रावण से छुड़ाने के लिए बड़े साहस और वीरता से संघर्ष किया और उसी आतताई के हाथों वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुए। स्वयं श्री राम प्रभु ने वहां पहुंचकर अग्नि संस्कार किया। मरते मरते जटायु ने ही सीता माता के रावण द्वारा अपहरण की बात श्री राम प्रभु को बताई। हाँ जटायु मेरे भाई, क्या यही हृदय विदारक समाचार सुनने के लिए मैं आज तक जीता रहा? हाय, मैं अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम्हारा नहीं उस नीच रावण का मरण होता, सीता माता का हरण भी ना होता। पक्षीराज, आप अपने भाई से अलग इस दशा में यहाँ किस कारण पड़े हैं? क्या बताऊं बेटा, यौवन के मद में मस्त होकर हम दोनों भाइयों ने एक बार सोचा कि हम सूर्य तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ मुनियों के सामने हमने शर्त बदी कि हम सूर्य को छूकर सूर्य के अस्ताचल में जाने से पहले उनके पास लौट आएंगे। बस अपने अपार बल के घमंड में हम दोनों भाई आकाश में उड़कर सूर्य की ओर उड़ चले। सूर्य का प्रखर तेज हमें झुलसाने लगा। भारत प्रेम में मैंने अपने विराट पंखों से जटायु को ढक लिया। वो जला तो नहीं, परंतु बेसुध होकर जनस्थान में जाकर गिरा। मेरे दोनों पंख जल गए। मैं भाई से बिछड़कर पंख और पराक्रम खोकर इस पर्वत पर आ गिरा और तभी से अत्यंत विवश असहाय अवस्था में दिन बिता रहा हूं।
यहां से बैठे बैठे एक दिन मैंने भी देखा था कि दुष्ट आत्मा रावण एक रूपवती तरणी को अपने विमान पर बलपूर्वक ले जा रहा था। मेरा अनुमान है वो अवश्य ही दशरथ नंदन श्री राम की भार्या होंगी। मैं क्या जानता था कि आदिताई मेरे भाई को मार कर जा रहा है। हाँ पक्षीराज, निश्चय ही वो माता सीता थी। क्या आप आगे का कुछ पता ठिकाना बताने की कृपा करेंगे? मैं उन्हें देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं? क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। आप देख सकते हैं तो कृपा करके बताइए वो कहाँ है। वो इस समय रावण के राजमहल में किसी वृक्ष के नीचे बैठी गहरी चिंता में डूबी हुई है। परंतु दुख की बात यह है कि मेरी जर्जर अवस्था और पंखहीन होने की व्यवस्था के कारण मैं ना तो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सकता हूं और ना ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं, केवल बता सकता हूं। हम वहां कैसे पहुंचेंगे? 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है, वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जाओ वीर वानरों, अपनी युक्ति और अपनी शक्ति से काम लो। कृपा करके मुझे भी समुद्र के किनारे पहुंचा दो ताकि मैं अपने स्वर्गस्थ भाई जटायु की आत्म शांति के लिए जलांजलि देकर अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकूं। नल, नील